कश्मीर के युवा फुटबॉल खिलाड़ी माजिद इरशाद खान ने आखिरकार सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है। माजिद पिछले दिनों आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा में शामिल हो गया था। अपने घर वालों, दोस्तों और फैंस के समझाने के बाद माजिद ने आतंकवादी संगठन को छोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। पिछले दिनों कश्मीर में 20 साल के फुटबॉल खिलाड़ी माजिद इरशाद खान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा में शामिल होने का मामला सामने आया था। पिछले सप्ताह माजिद ने सोशल मीडिया पर अपने लश्कर ए तैयबा में शामिल होने की जानकारी दी थी और वो अचानक गायब हो गया था। माजिद के परिवार वाले और दोस्त सोशल मीडिया के माध्यम से उसे सरेंडर करने के लिए समझा रहे थे। बताया जा रहा है कि माजिद के दोस्त के एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने लश्कर में शामिल होने का फैसला किया। इस खबर के आने के बाद से ही माजिद के परिवार वाले, रिश्तेदार और दोस्त लगातार टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे वापस आने और आत्मसमर्पण करने की अपील कर रहे थे। माजिद की मां ने एक वीडियो के जरिए माजिद से सरेंडर करने और घर वापस आने के लिए कहा। पुलिस भी माजिद के परिवार के संपर्क में थी। लश्कर ए तैयबा में शामिल होने से पहले माजिद अनंतनाग की स्थानीय फुटबॉल टीम में गोलकीपर था, साथ ही एक एनजीओ के लिए भी काम कर रहा था। माजिद ने फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल के सामने समर्पण किया है। द पेरेंट्स ऑफ माजिद खान, एस्पेशली हिज मदर, हुज अपील एंड हर प्रेयर्स हैव यील्डेड अस रिजल्ट्स। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द पीपल ऑफ कश्मीर हु सपोर्टेड दिस मूवमेंट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द एंटायर मीडिया विच इज हियर, विच वेंट होल हॉग टू प्ले अप द केस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ माजिद, which ultimately led Majid Khan to come back. फिलहाल माजिद को अवंतीपुरा के विक्टर फोर्स ने कस्टडी में रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है। माजिद के समर्पण की खबर के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया है और आतंकवादी गुटों में शामिल सभी युवकों से वापस आने की अपील की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले एक साल में लगभग 100 से भी ज्यादा स्थानीय युवक आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।